तो दोस्तों आप बिना देरी के हुए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसकी आवाज कैसी है और बजेगा कैसा, क्या मेरे 1 लाख रुपए व्यर्थ जाएंगे या फिर मुझे आनंद आ जाएगा। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मुझे कोई मालूम नहीं है, लेकिन मैं इसे खोल रहा हूँ। वैसे मैंने इसकी पन्नी वन्नी तो पहले से काट ली दोस्तों, लेकिन अभी मैंने बैग को खोल करके देखा नहीं, तो वो कैसे खुलेगा और कैसे होगा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिना देरी करे हुए इस वीडियो में दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है इसको करते हैं। ये देखिए, इसमें ये बिल्कुल पन्नी से पैक आता है दोस्तों। तो मैंने इसको यहाँ से हटा करके निकालता हूँ और इसमें बहुत ही ज्यादा वजन है यार, उसमें से ये कुछ पन्नियां निकली है। तो हम बंद कर देते हैं, इसी के ऊपर रख लेते हैं दोस्तों इसको, ताकि ये अच्छा। शाबाश, इसमें तो वजन बहुत ज्यादा है यार दोस्तों। इसमें कम से कम यार क्या बताऊं, बहुत ज्यादा वजन है, कम से कम 50 किलो तो मान ही लो यार। आराम से हो गए दोस्तों, यार जान निकल गई इसको उठाने में। इस कैमरे के नीचे ले आता हूँ मैं दोस्तों इसको, ताकि आपको पूरा इसका फ्रंट व्यू दिख जाएगा। और अब हम जो है इसको बजा करके, पहले दोस्तों इसके यहाँ पर चेन है, तो ये चेन खोल देंगे इधर से। ये मैंने चेन खोल दी और तो ये इसको तो मैं ऐसे रख दूंगा। और ये देखिए दोस्तों इसका यार कितना प्यारा सीन आ रहा है यार, मुझे तो खुशबू भी आ रही है इसमें यार, गजब खुशबू आ रही है यार। काफी दिनों से मुझे इंतजार था इसका, जो आज मेरे को मिल गया यार दोस्तों। सोचो यार, जो मेरी मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई आज यार, कितना खुशी का दिन है। मुझे तो यार सच में अभी बजाया नहीं, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है यार दोस्तों कि मेरे पास भी जो कलाकार बजाते हैं बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, वो वाला मेरे पास बजा है। और इसका फ्रंट आप देख सकते हैं दोस्तों कितना वो है। तो चलिए बिना देरी के हुए इसको खोलते हैं दोस्तों। ये इस जगह पर इसके जो वो लगे हुए हैं इस तरह से खुलेगा, यहाँ से खुल जाएगा और फिर इसे हम ऐसे करके खोल लेंगे दोस्तों। इसको तो हम इधर रख देते थे दोस्तों, अंदर से भी ऐसा है, और इसको तो हम साइड में रख देंगे। और दोस्तों ये है, तो इसको पहले हम यहाँ से इसी टिकड़ी को हटाएंगे, फिर इसी टिकड़ी को हटाएंगे यहाँ से। और दोस्तों हटाने के बाद अब हम जो है इसको यहाँ से खोलेंगे, और खोलने के बाद में दोस्तों अब हम इसकी आवाज, ये देखिए दोस्तों इसकी कीज है, ये वाली इसकी कीज है, और ये इसका जो धमन है। तो अभी पहले इसको ऊंचा करना पड़ेगा इधर से, देखिए दोस्तों इस तरीके से इधर से पकड़ करके इसको दोनों साइड से, और इसको ऊपर खींचना पड़ेगा। ये उठ गया दोस्तों, ये ऊपर हो गया, और अब हम जो है दोस्तों इसको बजाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ से खोल देंगे, और खोलने के बाद में इसके जो दोस्तों स्टॉपर है, तो आप अपने हिसाब से स्टॉपर तो सब जानते हैं, स्टॉपर खोल सकते हैं, लेकिन पहले इसको यहाँ से बजा के देखते हैं। एक वीडियो बनाओ जी मैं यार, ये थोड़ा उजाड़ो काम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यार, जो मेरे पास में 1,05,000 का जो जर्मन जुबलेट था, उसकी आवाज़ सुनने की आपको काफ़ी दिनों से वो थी। तो अभी मेरे साथ में ये जो हारमोनियम बजाने वाले भाई साहब, क्या नाम सर आपका? रमेश जी बैरागी। और ये ढोलक मास्टर, क्या नाम सर आपका? निर्वे सिंह। ये निर्वे सिंह जी है, और आप एक बहुत ही शानदार भजन गा के सुनाएंगे, तो आप भी इनके साथ मजा लीजिए। और मेरे जो वो जर्मन जुबलेट था 1 लाख का बाजा कैसा होता, तो उसकी आवाज़ आप सुन लीजिए, लाओ बिल्कुल मेरे साथ देखते हैं। हाँ जी श्रीमान। अरे मैं भूल गया रे भजन तेरा,
और सर 5 मिनट का होना चाहिए वीडियो। एक वर्जन और बनाएंगे फेवरेट वाला। थोड़ा सा आप इधर आ जाते, थोड़ा आगे खींच गया। हाँ जी सर वाला। तो आइए दोस्तों एक और भजन आपको सुना रहे हैं, बिल्कुल जर्मन जुबलेट के बाद। वाह साहब। उसका वीडियो है आप बाजी का, आप देख सकते हैं, आप भजन गा रहे हैं, सजा दो घर को दुल्हन की तरह श्री राम आ रहे हैं, और ये रमेश जी बैरागी बजा रहे हैं हारमोनियम।
सजा दो घर को गुलशन सा।